नमस्कार, स्वागत है आपका माय नेशन में। मेरा नाम हेमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कैसे अब कोरोना वायरस चीन के अलावा अन्य देशों में भी फैलता जा रहा है। चीन से बाहर अन्य देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र में 85 भारतीय छात्रों को हफ्ते भर के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इटली में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है और 1694 मामले सामने आए हैं। उधर अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को देश में दूसरे मौत की पुष्टि की है। पब्लिक हेल्थ सिएटल एंड किंग काउंटी ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार और शनिवार को एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार हो गया है, जबकि 89,073 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। लोम्बार्डी में पाविया के इंजीनियरिंग विभाग के एक नन टीचिंग फैकल्टी में संक्रमण के बाद से छात्रों में दहशत बढ़ गई है। 15 अन्य स्टाफ को अलग थलग कर दिया गया है। बेंगलुरु की एक छात्रा अंकिता केएस ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि हम में से आधे छात्रों ने टिकट बुक कराई थी, लेकिन फ्लाइट्स हर दिन कैंसिल हो रही हैं। नई टिकट काफ़ी महंगी है। यहाँ किराने की दुकान में तेजी से स्टॉक खत्म हो रहा है। हमें डर है कि स्थिति और खराब हो सकती है, इसलिए भारत सरकार से अपील है कि वे हमें निकालने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। जानकारी के मुताबिक पाविया में फंसे 85 भारतीय छात्रों में 25 तेलंगाना, 20 कर्नाटक, 15 तमिलनाडु, 4 केरल, 2 दिल्ली और राजस्थान, गुड़गांव और देहरादून के एक एक छात्र शामिल हैं। इनमें से करीब 65 इंजीनियरिंग छात्र हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के छात्र पुरुषोत्तम कुमार मधु 10 मार्च को भारत के लिए उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन इस बात को लेकर संशय है कि फ्लाइट संचालित होगी या नहीं। पुरुषोत्तम ने बताया कि मुझे बताया गया है कि खाड़ी देशों से जाने वाली ज्यादातर उड़ानें रद्द की जा रही हैं। वहीं भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने के बाद वहां भी 10-15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाना भी चिंता का विषय है। चीन के बाहर सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दक्षिण कोरिया में सामने आए हैं। यहाँ 3,776 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 17 लोगों की मौत हो गई है। चीन में एक दिन में 42 लोग मारे गए हैं। मौत का आंकड़ा अब 2912 हो गया है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित हुबई में 2,803 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने 13 मार्च तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। पूरे सिंध में सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थान 2 से 13 मार्च तक बंद रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को शीर्ष स्तर का खतरा घोषित कर दिया है और हैश संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानम ने कहा कि हमने वायरस के फैलाव और प्रभाव के आकलन के बाद पाया है कि यह दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ अब तक संक्रमण के 385 मामले सामने आए हैं। भारत यहाँ फंसे अपने नागरिकों को वापस लाएगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रविवार को कहा था कि दोनों देश के अधिकारी इस पर बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 350 कश्मीरी छात्र और सिख श्रद्धालु ईरान से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने ईरान से आने जाने वाली उड़ानें निलंबित कर दी हैं। माय नेशन के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे इन वीडियोज और खबरों के लिए बने रहिए माय नेशन के साथ।